मशहूर एक टीचर पटना वाले खान सर। पटना वाले खान सर मुश्किल विषयों को अपने सहज और सरल अंदाज में समझाने के लिए मशहूर है। आज न्यूज 18 पर खान सर की कोरोना पर स्पेशल क्लास है। खान सर कोरोना के बारे में पूरी जानकारी साधारण भाषा में देंगे। वो बताएंगे कि कोरोना के लक्षणों को कैसे पहचाने, कोरोना कब शरीर के लिए घातक बन सकता है, कोरोना की जांच से लेकर कोरोना के इलाज तक पूरी बात सरल भाषा में समझिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से सवालों की शुरुआत कर देते हैं। खान सर, आपसे पहला सवाल कि हम कोरोना के लक्षणों को कैसे समझें? महामारी के दौर में हल्का सा नजला, जुकाम या बुखार होने पर लोगों के हाथ पर फूल जाते हैं। ऐसे डर के माहौल में हम कैसे जाने कि हमें कोरोना हो सकता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बरसात एंट्री कर रही है, तो खांसी बुखार अभी नॉर्मल हो गया। अब लोग इतना डर गए हैं कोरोना को लेकर ना, कि उनका इम्यून सिस्टम मतलब एक मानसिक दबाव में जी रहे हैं। तो एक इससे घबराना भी तो नहीं है ना, कि मतलब एक नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है वो। तो कई लोगों में हम देख रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं भी है फिर भी डर जा रहे हैं वो लोग। तो खांसी बुखार तो खैर ये तो नॉर्मल भी आता है, बट सांस का फूलना, दम फूलने लगता है, सूखी खांसी हो जाना, ये ऑक्सीजन लेवल का गिरना, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स हो जाता है। बुखार का लेवल ज़्यादा रहना, ये सिम्टम्स ज़्यादा हैं। और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नाप लेना कि अगर आपका 94 से अबव है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के वक्त में क्या स्ट्रेन है कोरोना का, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर कर रहा है तो वो ऑक्सीजन लेवल को एकदम गिरा रहा है। आप देखिए पूरे इंडिया का चेन सिस्टम जो था ऑक्सीजन सप्लाई का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया यहाँ पर। ठीक है,